at end of the very short answer type question answers. Now it is the turn of the short answer type questions. In the continuation, the first question is, what is forestry? Forestry kya hai? Forestry is a science and art of creating and managing, conserving and repairing forest and associated resources in a sustainable manner for human benefit. Forestry is practiced in plantations and natural stands. The main goal of the forest is to create and implement systems that follows forest to continue sustainable provisions of the fundamental supply and services. यहीं तक लिखना है आपको. दूसरा question, why did colonial government start commercial forestry in India? कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश की सरकार ने कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री की शुरुआत क्यों की? गिव एनी थ्री रीजन्स, तीन रीजन बताने हैं. बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपीयरिंग. 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ क्या कि ओक के फॉरेस्ट इंग्लैंड में बिल्कुल गायब हो रहे थे. तो कॉलोनियल गवर्नमेंट नीड ए टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी, और ब्रिटेन की सरकार को रॉयल नेवी के लिए लकड़ी की जरूरत थी एंड रेलवेज के लिए लकड़ी की जरूरत, विच वर इसेंशियल फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप्स एंड कॉमर्शियल ट्रेड्स. दूसरी वजह थी दी कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट इन इंडिया. कॉलोनियल गवर्नमेंट ने सारे फॉरेस्ट को अपने कब्जे में लिया एंड गेव वास्ट एरियाज टू यूरोपियन प्लांटर्स. और यूरोप में जो पेड़ लगाने वाले थे उनको बहुत बड़ा क्षेत्र दे दिया एट चीप रेट्स. दिस एरियाज वर इंक्लोज्ड एंड प्लांटेड विद टी एंड, और इन एरियाज में क्या हुआ, प्लांटेशन किया गया किसका, टी एंड कॉफी का. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वरीड अबाउट द रिकलेस यूज ऑफ द फॉरेस्ट. और ब्रिटेन की सरकार जो रिकलेस यूज होता फॉरेस्ट का, इसके प्रति काफ़ी चिंतित थी. दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्ड वुड, उनको ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जिनसे मजबूत लकड़ी एंड वो टॉल एंड स्ट्रेट, मजबूत लकड़ी मिले, ऐसी लकड़ी जो टॉल भी हो स्ट्रेट भी हो. सो पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक टीक एंड साल, तो इसी यही वजह थी कि एक विशेष किस्म के पेड़ लगाए गए जिनमें टीक और साल ट्रीज वर प्रॉम्प्टेड बाय देम, ये ज़्यादा तेजी से लगाए गए. और तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन इट फोर आइडियाज, हमें चार आइडियाज बताने ऑफ द डीक ब्रांड इश्क for the management of the forest in India during the British period. And who was Dietrich Bandish? Explain his achievement in India. या इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं, Dietrich Bandish कौन थे और उनकी उपलब्धियों को बताना, भारत में उनकी क्या उपलब्धियाँ थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट. ये Dietrich Bandish एक जर्मन एक्सपर्ट थे, जर्मनी के बहुत ही एक्सपर्ट, वॉज अपॉइंटेड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. इनको भारत में इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट का अपॉइंट किया गया. हिज आइडियाज एंड अचीवमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट आर स्टेटेड इन द पॉइंट्स बिलो. पहला पॉइंट क्या था, ही फार्मुलेटेड न्यू फॉरेस्ट लेजिस्लेशन, नई वन नीति उन्होंने तैयार की एंड हेल्प इस्टेब्लिश रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, और इन्होंने रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने में मदद की. द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, देहरादून में, वॉज फाउंडेड बाई हिम इन 1906. ही सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1865. IFS की स्थापना यही Dietrich Bandish ने की थी एंड हेल्प टू फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ, और इन्हीं की मदद से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1865 में पास हुआ था इस्टेब्लिश हुआ. ही टुक एन इंटरेस्ट इन द फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया एंड इंडियन ट्रीज, ये भी उन्हीं की देन थी. ही वॉज एमंग द अर्लीस्ट एक्सपर्ट, वो अर्लीस्ट एक्सपर्ट्स में थे इन इंडिया टू फॉर्मली लिंक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन विद लोकल पीपल. ये पहले इंसान थे कि जिनका विचार था कि फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन लोकल पीपल की मदद से ही हो सकता है. इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे.